चैनल, मुझे मिस कर रहे थे ना? नहीं हाँ सॉरी, काफी टाइम से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन फाइनली मैंने कमबैक कर लिया है दो बड़े वाले गुड न्यूज के साथ। गेस व्हाट, हमारे यूट्यूब चैनल ने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। एंड उसकी खुशी में मैंने एक और यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया है जहां मैं व्लॉग्स वगैरह अपलोड करने वाली हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दूसरे चैनल का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां भी अपना प्यार और सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस और व्लॉग्स अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। वैसे तो आपने टॉपिक देख ही लिया होगा कि आज मैं आपसे क्या शेयर करने वाली हूँ, लेकिन चलो फिर भी बता देती हूँ। बहुत सारी पुरानी साड़ीज थी मेरे पास और काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि उसमें कुछ ना कुछ मुझे बनवाना है, पर टाइम नहीं सेट हो पा रहा था। फाइनली सारे ड्रेसेस कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने रिसीव कर लिए हैं, तो बस वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज। इतनी सारी ड्रेसेस बनी है साड़ी से, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं फर्स्ट ड्रेस के साथ। ये ड्रेस प्लेन साड़ी में से बनी है। एक्चुअली ये बहुत ही पुरानी साड़ी है, आप बॉर्डर से देख सकते हैं। पहले मैंने उस पर कुछ लेस और पैचेस ऐड कर दिए थे, जिससे मैंने उसे एज ए साड़ी भी रीयूज कर लिया और अब मैंने उसे गाउन बना लिया है। सिंपल नेक लाइन है इसमें, पोटली बटन ऐड करवाए हैं मैंने और स्लीव्स फुल दिए हैं और उसमें कटवर्क भी दिया हुआ है। लग रहा है ना, और बॉटम में भी मैंने कटवर्क की पैटर्न करवाई है। इसके सारे ड्रेसेस के स्टिचिंग कॉस्ट भी मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, आप देख सकते हैं। कॉस्ट शायद एरिया के हिसाब से डिफर कर जाए, लेकिन जो कॉस्ट है उससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। सेकेंड वाली जो साड़ी है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, में से मैंने दो ड्रेसेस बनवाई है। फर्स्ट वाली है ये, इसकी नेक लाइन आप देखिए, ये जो है ये साड़ी का बॉर्डर है, पूरा मैंने उसको नीचे तक यूज करवाया है। एल्बो स्लीव दिए हैं इसको और ये पूरी ड्रेस कली में बनवाई है। और रुको बताती हूँ कितनी कलियां हैं। आज कली में ये ड्रेस बहुत अच्छे से बन गया है। इसी साड़ी में से एक और ड्रेस बनी है, या फिर आप कुर्ती बोल सकते हैं। ये हाफ जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये पल्लू वाला हिस्सा है पूरा, और ये हाफ है साड़ी का हिस्सा। स्लीव्स दोनों ही पल्लू से ही निकली और उसकी नेकलाइन आप देखिए अल्टरनेट यूज की हुई है, अल्टरनेट फैब्रिक से उसको बनाया है। इसका बॉटम अभी तक मेरे पास मैचिंग नहीं है, लेकिन जल्दी बनवा लूंगी। और साड़ी है ये, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उसको। इसमें से क्योंकि ये पूरी प्रिंटेड साड़ी है तो सिर्फ कुर्ती बन पाई है, थ्री फोर्थ स्लीव्स है उसकी और सिंपल नेकलाइन है जिसमें बटन यूज किया है। इसका बॉटम भी वैसे सिलवाना बाकी है, क्योंकि प्रिंट थोड़ी सी अनइवन थी तो मेरे जो टेलर थे वो स्टिच नहीं कर पाए, तो मैं सोचती हूँ इसमें कोई मैचिंग प्लाजो ले लूंगी ताकि उनका सेट कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट साड़ी है वो मेरी फेवरेट साड़ी है और इसमें से साड़ी की जो बॉर्डर थी वो इसमें यूज करवाई है मैंने, और ये पल्लू में से स्लीव्स निकाली हुई है दो और नेकलाइन भी, और इसके नीचे है प्लाजो जो इसी फैब्रिक से बना है।
उसमें भी मैंने नीचे लेस डलवाई है। नेक्स्ट जो साड़ी है वो शिफॉन की साड़ी है, आई मीन थी, उससे मैंने बनाई है कुर्ती। कुछ ये कुर्ती का लुक नायरा कट जैसा भी बोल सकते हैं। ये फर्स्ट पैनल, देन द सेंटर पैनल एंड ये लास्ट पैनल, ऐसे थ्री पैनल में ये कुर्ती बनी है। पल्लू का यूज किया है, इसका भी बॉटम अभी बाकी है। एंड द लास्ट वन पोल्का डॉट वाली साड़ी, जो इतनी पुरानी थी लेकिन मुझे बड़ी ही पसंद थी तो मैंने उसका सूट सिलवा ही लिया है। ये है कुर्ती, सिंपल सी कुर्ती स्ट्रेट वाली, उसके नेक पे क्रोशियो लेस का यूज। ये बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने में, तो फाइनली कमबैक करके तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। लेकिन आप क्या फील कर रहे हो, आपको कौन से डिजाइन इसमें से सबसे ज्यादा अच्छे लगे, ये मुझे जरूर कमेंट करना। और आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, मेरा ब्लॉग चैनल घूमी घूमी विद जोशी, वो भी चेकआउट करना, हो सकता है शायद आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आए। अगर पसंद आए ना तो वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो आप, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो।